आइए थोड़ा सा संजीदगी की जानिब चलते हैं और उस फनकार को आवाज देते हैं कि जिसकी नाते पाक से आज का ये मुशायरा शुरू किया गया था, आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया गया था। वो अरशद जिया मुजफ्फरनगरी, उनका मुख्तसर सा तारुफ कुछ इस तरह से है कि आपने तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुकम्मल की और अपने ज़ौके शायरी के हवाले से कई मजमाए कलाम आज मंजर आम पर हैं, अदबी और इलमी जमातों से दादो तहसीन हासिल कर रहे हैं। अरशद ज़िया के कलाम की ये खूबी है कि उनकी शायरी उस दिलनवाज आईने की मानिंद है कि जिसमें हिंदुस्तान का हुस्न व जमाल बखूबी नजर आता है। आपने गजल की पेशानी पर नोके कलम से तहजीब व तमद्दुन के वो सितारे सजाए हैं कि जिनकी रोशनी से ये अदबी दुनिया के गली कूचे मुनव्वर हो रहे हैं। आइए मैं इस शेर की रोशनी में जनाब अरशद ज़िया साहिब को दावत सुखन दे रहा हूँ। मैं बहुत अदब के साथ आली जनाब अरशद ज़िया को आवाज़ दे रहा हूँ कि सितारे तोड़कर रुक जाऊँ ये मुमकिन नहीं, मुझसे मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर जनाब अरशद ज़िया मुजफ्फरनगरी माइक पर। सलाम अलैकुम। जी बहुत शुक्रिया जी, मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत मुशायरे की हारून भाई को, आप सब को और मुंतजमीन कमेटी को। दोस्तों एक बात अर्ज करता चलूं कि आजकल मुशायरे बहुत महंगे हो गए हैं, इस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ता है जिस तरह से बेटी की शादियां होती है। इस मुशायरे को अपना मुशायरा समझे, इसको कामयाब बनाए। मतलब पढ़ता हूं आप सब की जागती समातों के हवाले। मैं फिर कहता हूं कि अगर मुमकिन हो तो आगे आ जाएं, थोड़ा सा आपका मेरा रابطہ बनेगा। बेशक बेशक, जो जो इधर तशरीफ फरमा है वो सामने आ जाएं। आपसे भी मेरी दरखास्त है आप इधर आ जाएं ताकि आपसे जरा सा हो सके, आ जाइए, थोड़ा सा थोड़ी सी जहमत कीजिए, थोड़ा सा ऐसे मुशायरे को बनाइए, थोड़ी थोड़ी कुर्सी आप आगे ले जाइए, थोड़ी कुर्सी आगे ले लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिलों तक पहुंच जाऊं। बेशक बेशक, आइए आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, आपसे मुझे मिल जाए सदर मोहतरम की इजाजत। जी अदा कीजिए अरशद भाई, इजाजत। तशरीफ फरमा, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। पढ़ दूं? जी अदा कीजिए। एक जोरदार ताली बजाइए, जरा मुझे एहसास होना चाहिए कि आप आगे सुनना चाहते हैं। हाजिर करता हूं। मुजाहिद भी कहीं बुजदिल की दरबानी में रहते हैं। इशारा देता हुआ चलता हूं, जहां मैंने शेर कहे वहां तक आप पहुंचिए। मुजाहिद भी कहीं बुजदिल की दरबानी में रहते हैं, मुजाहिद भी कहीं बुजदिल की दरबानी में रहते हैं, मुजाहिद भी कहीं बुजदिल की दरबानी में रहते हैं। भला क्या शेर कुत्तों की निगहबानी में रहते हैं, भला क्या। बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने रहते हैं। मुजाहिद भी कहीं बुजदिल की दरबानी में रहते हैं, भला क्या शेर कुत्तों की निगहबानी में रहते हैं, भला क्या शेर कुत्तों
कुत्तों की निगहबानी में रहते हैं। बहुत अच्छे शेर पढ़ता हूँ जी, पीछे तक मुझे ताइद मिलनी चाहिए। ये माना शाह तू लेकिन वाह, ये हमारे मसाइल है, हमारी कौम का दर्द है, आप तक पहुंचाता हूं जी इनायत। ये माना शाह तू लेकिन तकबुर बेहिसी कातिल, 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 ये सब किरदार तेरे ताख्त सुल्तानी में रहते हैं, ये सब किरदार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब, क्या कहने में रहते हैं दोस्तों। भाई बहुत खूब अरशद भाई, जिंदाबाद। मैं अपने घर से कल चला था, आज पहुंचा हूं, एक तवील सफर तय करके आपकी मोहब्बतों के हवाले यहाँ आया हूँ। अपने शहर आपकी बात मोहब्बतें लेकर लौटना चाहता हूँ। मेरी इल्तमास से थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं इंशाल्लाह फिर वो सुना कर जाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ दोस्तों। असमतों की मीनार गिरा दी गई, जो मुहाफिज थे वो अपने कमरों में बैठ कर मजलूमों की चीखें सुनते रहे, तमाशा देखते रहे। मैं हाजिर करता हूँ वो मंजर, वो जो मंजर था और वो आज का मंजर। अगर सादिक आ जाए तो दो मिसरों में तो आपकी सब की ताई चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। ये वो ये सब किरदार तेरे तख्त सुल्तानी में रहते हैं, ये सब किरदार तेरे तख्त सुल्तानी में रहते हैं, ये सब किरदार तेरे तख्त सुल्तानी में रहते हैं। वो जो मजलूम की चीखें वाह सुना करते थे महलों में, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, उसमें आवाज नहीं होती, सुनिएगा साहब जी यता कीजिए। वो जो मजलूम की चीखें सुना करते थे महलों में, वो जो मजलूम की चीखें सुना करते थे महलों में, वो जो मजलूम की चीखें सुना करते थे महलों में, सुकून के वास्ते वो लोग वीरानी में रहते हैं, सुकून के वास्ते वो लोग वीरानी में रहते हैं। वो जो मजलूम की चीखें सुना करते थे महलों में, सुकून के वास्ते वो लोग वीरानी में रहते हैं। हमें ये तजुर्बा आकर क्या कहने हुआ गांवों से शहरों में, बहुत हमें ये मोहतरम आली मर्तबत इज्जत माँ अंजुम बाराबंकी साहब तशरीफ फरमा है, बेशक बेशक। मेरे बड़े भाई गुलजार जिगर साहब, जिनकी निजामत न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इनकी आवाज़ हिंदुस्तान से बाहर भी गश्त करती है, मेरे बड़े भाई सज्जा झंझट जावेद आसी साहब तशरीफ फरमा है। मैं इनकी मैं कलीम अंजुम साहब की सदारत में मुशायरा पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई से फख्र मैं हाजिर करता हूँ। जो अमरावती से तशरीफ लाए हैं मैं हाजिर करता हूँ। हमें ये तजुर्बा आकर हुआ गांवों से शहरों में, हमें ये तजुर्बा आकर हुआ गांवों से शहरों में,
हमें ये तजुर्बा आकर हुआ गांव से शहरों में, हमें ये तजुर्बा आकर हुआ गांव से शहरों में, दरिंदे भी यहाँ तो शक्ल इंसानी में रहते हैं, दरिंदे भी यहाँ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद रहते अरशद जिया साहब बहुत अच्छे दे भी यहाँ तो शक्ल इंसानी में रहते हैं बहुत हो कहाँ तक तुम मेरी आंखों से मेरे अश्क पहुंचोगे क्या कहने तुम मेरी आंखों से बहुत अच्छे हर हिस्से पे जख्म लगा है हर हिस्से पे जख्म लगा है हाजिर करता हूँ शेर कहाँ तक तुम मेरी आंखों से मेरे अश्क पहुंचोगे डाइस के हवाले से आप तक क्या कहने कहाँ तक तुम मेरी आंखों से मेरे अश्क पहुंचोगे कहाँ तक तुम मेरी आंखों से मेरे अश्क पहुंचोगे ये तो ऐसे जजीरे हैं जो तुगयानी में रहते हैं ये तो ऐसे जजीरे हैं जो तुगयानी में रहते हैं बहुत अच्छे क्या कहने अरशद जिया साहिब बहुत हो तुगयानी में रहते हैं अना का फलसफा ऐसा भी देखा है जिया हमने क्या कहने अना का फलसफा ऐसा भी देखा है जिया हमने अना का फलसफा ऐसा भी देखा है जिया हमने वही मर जाते हैं प्यासे के जो पानी में रहते हैं वही मर जाते हैं क्या कहने बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद जाते हैं प्यासे के जो पानी में रहते हैं बहुत अच्छे कुछ ताजा पढ़ना चाहता हूँ आप इजाजत दें जी आप तक पहुंचा देता हूं थोड़ा सा एक बार मुझे जरा अपनी अपनी हाजिरी दर्ज करा दीजिए मुझे बता दीजिए कि आप सुनना चाहते हैं आधी रात से भी ज्यादा का वक्त है आप सब लोग अपने जरूरी काम छोड़कर यहां बैठे हैं इसका मतलब यह है कि अभी उर्दू के रखवाले जिंदा है आप वाकई सच्चे मर्द मुजाहिद है जो उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं हमारे यहाँ आने की कोई ना कोई गरज हो सकती है लेकिन आप लोग बेलोस यहाँ आए हैं काम छोड़कर आए हैं आपने 10-5 मिनट और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ जी अता कीजिए हमारे हार जाने का सबब जब भी कोई पूछता है तो दो मिसरों में मैं अपनी बात कहता हूँ चार मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ हाजिर करता हूं भाई थोड़ा सा बस 5 मिनट जी इनायत क्या खाक संभालेंगे हम अपनी कयादत को क्या खाक संभालेंगे हम अपनी कयादत को इस भीड़ में सब तन्हा सहमे हुए रहते हैं क्या खाक संभालेंगे हम अपनी कयादत को इस भीड़ में सब तन्हा सहमे हुए रहते हैं इस भीड़ में सब तन्हा सहमे हुए रहते हैं वो कितने खुदाओं के होकर भी है सब एक जा हम एक खुदा वाले बिखरे हुए रहते हैं हम एक खुदा बहुत अच्छे
क्या कहने अरशद जिया साहब बहुत हो। हम एक खुदा वाले बिखरे हुए रहते हैं, हम एक खुदा बहुत अच्छे बहुत खूब। ये कैसे मसीहा हैं इस दौर हवादिस के। हारून भाई क्या कहने क्या कहने, ये कैसे मसीहा हैं इस दौर हवादिस के। मरहम की जगह नश्तर जख्मों पे लगाते हैं, ये कैसे मसीहा हैं इस दौर हवादिस के। मरहम की जगह नश्तर जख्मों पे लगाते हैं, मोहताज ये पहले तो कर देते हैं पैरों से, फिर बांट के बैसाखी हम दर्द दिखाते हैं। फिर बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने अरशद जिया साहब। फिर बांट के बैसाखी हम दर्द दिखाते हैं, फिर बांट के बैसाखी हम दर्द दिखाते हैं। मजबूत इरादे हैं ये सुन ले सितमगर तू। दोस्तों क्या कहने, जुल्म जुल्म होता है, मैं जुल्म की मजम्मत करता हूं, जुल्म को कंडेम करता हूं। जुल्म हिंदुस्तान में हो के हिंदुस्तान से बाहर हो, जुल्म कहीं भी हो, जुल्म जुल्म होता है। सही बात। ये चार मिसरे पढ़ता हूं, चौथा मिसरा आपकी जहीन समादों पर दस्तक दे तो आपकी दुआएं मुझे मिल जानी चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मजबूत इरादे हैं ये सुन ले सितमगर तू। वाह। ईमान किसी ने में तनवीर भी रखते हैं, मजबूत इरादे हैं ये सुन ले सितमगर तू। ईमान किसी ने में तनवीर भी रखते हैं, लिपटी हुई पैरों से जंजीर पे मत जाना, लिपटी हुई पैरों से जंजीर पे मत जाना। हम हाथ में हिम्मत की शमशीर भी रखते हैं। हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। हम हाथ में हिम्मत की शमशीर भी रखते हैं। दोस्तों हुब्बुल वतनी की एक मिसाल पेश करता हूं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं हो सकती। हाजिर करता हूं, अगर चंद्रशेखर आजाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, अशफाकुल्ला खान ने भी इस मुल्क के लिए सर कटाया है। सही बात। वीर अब्दुल हमीद ने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। यहीं से चार मिसरे पढ़ता हूं, एक हुब्बुल वतनी की मिसाल जी तक पहुंचे। रखो न तासुब के तू हमको निशाने पर। क्या कहने, आजाद हुए दोनों मिलजुल के गुलामी से, रखो न तासुब के तुम हमको निशाने पर। आजाद हुए दोनों मिलजुल के गुलामी से, ये अपनी मोहब्बत की महाराज नहीं तो क्या, करते हैं तयम्मुम भी
इस मुल्क की मिट्टी से करते बहुत अच्छे। क्या कहने क्या कहने अरशद जिया साहेब, आपके इस्तकबाल के लिए और गुलपोशी के लिए हमारे सेवक अदीबी जी ने जो जहमत उठाई है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपका कलाम और आपके ख्याल आपकी ज़हीन और जाग की समात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। फिर पढ़ता हूँ जी, अता कीजिए। रखो नता जिया भाई, पढ़ते रहिए, जिंदाबाद। निशाने पर आजाद हुए दोनों, मिलजुल के गुलामी से ये अपनी मोहब्बत की महराज नहीं तो क्या करते हैं तयम्मुम भी इस मुल्क की मिट्टी से, करते हैं तयम्मुम भी इस मुल्क की मिट्टी से, मस्जिद की मनारों से आती है जो आवाजें। क्या कहने, कुछ बंद कराने के फरमान सुनाते हैं, मस्जिद की मनारों से आती है जो आवाजें, कुछ बंद कराने के फरमान सुनाते हैं, ये हक सदाए तुम रोक न पाओगे, हम वो हैं जो नेज़ों पर कुरान सुनाते हैं, हम वो हैं जो। बहुत अच्छा।